गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट फाइव वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट फाइव वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे हैं। कह रहा है किसी चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल ए बराबर एंगल सी दिया है, यानी कि यह वाला एंगल इस कोण के बराबर है, और एंगल बी बराबर एंगल डी दिया है। ठीक है, ए सी के बराबर है और ये बी एंगल डी के बराबर है, तो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी, ये दो चीज दिया है। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। पहला चीज कि आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यहां लिख देंगे बराबर में 360। चलिए तो यहां लिख देते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्लियर है यहां से? अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि ए और बी को वैसे ही छोड़ दीजिए। अच्छा, सी जो है ए के बराबर है तो एंगल ए हो जाएगा ये सी, और एंगल डी हो जाएगा एंगल बी, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो बराबर में 360। ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि चूंकि एंगल ए बराबर दिया है आपके पास एंगल सी, और एंगल बी बराबर दिया है एंगल डी, इसलिए ऐसा हो जा रहा है। तो 2 एंगल ए + 2 एंगल बी होगा ना बराबर 360 डिग्री। अच्छा, 2 कॉमन कर लीजिए तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर है ना, और बराबर में है 360, ये दो जाएगा भाग में, तो एंगल ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 180। ध्यान से देखिए, जब एंगल ए और एंगल बी का योग 180 हो जा रहा है तो ये वाली रेखा इसके समांतर नहीं हो जाएगी ना। एंगल ए एंगल बी दोनों का योग 180 हो जा रहा है, यानी कि ये दोनों क्या है, क्रमागत कोण है। तो क्रमागत कोण के प्रतिलोम से या आप ऐसे कह सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ही तरफ के अंतःकोण के प्रतिलोम से दोनों से कह सकते हैं। ठीक है, प्रतिलोम से दोनों से हो सकता है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए जब पढ़ा रहे थे कि ये रेखा इसके समांतर होगी तो इन दोनों कोण का, ये तिरक रेखा हो जाएगी तो इन दोनों कोणों योग 180 होता है। या आप देख रहे हैं कि क्रमागत कोण जब 180 होना है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये रेखा इस रेखा के समांतर हो जाएगी, यानी कि एडी जो होगी ना समांतर हो जाएगी बीसी के। ठीक है, जब एडी बीसी के समांतर हो जाएगी तो आप इसमें लिख दीजिएगा इसी प्रकार आप चाहें तो कर सकते हैं, एबी समांतर डीसी, एजी समांतर डीसी। अतः एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ये प्रमाणित हो गया। अगला